वकीलों का प्रदर्शन। मुरादाबाद कचहरी परिसर में कल नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण के खिलाफ आज वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इनका आरोप है कि नगर निगम टीम ने पक्के बने चैम्बरों को भी तोड़ दिया था। रविवार की सुबह छुट्टी के दिन लगभग सात बजे मुरादाबाद कचहरी परिसर में भारी फोर्स के साथ पहुंची नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से बनाए गए वकीलों के दर्जनों अस्थायी चैम्बरों को ध्वस्त कर दिया था। नगर निगम टीम अपने साथ जेसीबी लेकर पहुंची थी, जिसने कमिश्नर चौराहे से लेकर एसएसपी ऑफिस तक सड़क के बीच बनाए गए चैम्बरों का ध्वस्तीकरण करा था, जिसके विरोध में कुछ वकीलों ने अपना विरुद्ध भी दर्ज करवाया था। और आज इसी मुद्दे को लेकर सुबह से ही अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में घूमकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और अपना एक मांग पत्र डीएम को सौंपा। इनकी मांग है कि स्थायी चैम्बरों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न की जाए और आज काउंसिल की हड़ताल है। वहीं फोर्स के साथ मौजूद सीओ सिविल लाइन दीपक भूकर ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स लगाई गई है। जी, प्रशासन से तो हमारी ये लड़ाई है कि हमारी कोई बात सुनने रहे हैं और इधर उधर को टाल रहे हैं। जिस तरीके से हमारी रजिस्ट्री का ऑफिस है, एक डेढ़ साल हो गया हमें परेशान होते हुए और आश्वासन देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। दूसरी बात यह है, जो कल हमें नोटिस दिया था इन्होंने, तो 10-12 चैम्बरों का दिया था जो डिवाइडर पे थे जी। और इन्होंने पूरी लाइन पे जो पक्के चैम्बर नहीं थे उसके अलावा इन्होंने तोड़ दिए, जिससे हमारे वकीलों में अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। क्योंकि एक अधिवक्ता कम से कम 30 साल की उम्र में आता है यहाँ जी, उसके बाद में उसका परिवार होता है और उसका घर उजड़ जाता है तो उसका दुख तो हो गई। प्रशासन का कहना है अतिक्रमण हटाया गया है। देखिए, वो अतिक्रमण नहीं था जो इन्होंने करा है कल, वो गलत करा है इन्होंने। हमारा ये कहना है जो चैम्बर हमने लगवा दिए हैं वो वहीं जाएंगे और जो जिन्हें हटवाना है उनके लिए हम बीजेपी के माध्यम से इनसे वार्तालाप करेंगे और वार्तालाप करके उनके लिए जगह दिलवाएंगे, उसके बाद हटेंगे। तो अभी क्या हड़ताल वगैरह जारी रहेगी? नहीं, ये हड़ताल तो हमारी बार काउंसिल की है आज और कल। 22 जिलों के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश खंडपीठ स्थापना के लिए आज की बार काउंसिल के आह्वान, जो अतिक्रमण में चैम्बर हटाए गए उसमें क्या अतिक्रमण में क्या होगा? डीजे से बात हो गई है, कल 4 बजे के बाद में डीएम और डीजे के दोनों के चैम्बर में बैठ के वहाँ बात होगी और उसके बाद ही कोई समाधान होगा। जो वकीलों का चैम्बर हटाए गए थे, क्या था पूरा मामला और कितनी जगह यहाँ पे कितनी फोर्स लगा? ये रोड पे कुछ इंक्रोचमेंट थी, नगर निगम ने उनको चिन्हित किया और कल उनको हटाया गया था। उसके विरोध में जो वकील हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज वो डीएम साहब को ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे पुलिस डिप्लॉय की गई है कचहरी परिसर में, डीएम ऑफिस के बाहर और एसएसपी ऑफिस के बाहर। कितनी फोर्स होगी यहाँ पे? अराउंड 200 पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट। तो मतलब किस हिसाब से ये वकील लोग तो नारा लगाते हुए जा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? ये जो एनक्रोचमेंट हटाया गया है उसका विरोध कर रहे हैं और जो कार्रवाई हुई थी वो नगर निगम ने चिन्हित की थी, जो जमीन वहीं से एनक्रोचमेंट नगर निगम की टीम ने ही हटवाई थी। किस हिसाब से तैयारी है पुलिस फोर्स? पुलिस फोर्स प्रॉपरली डिप्लॉय की गई है और जैसी भी सिचुएशन होगी उससे हम डील करेंगे।